For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. एक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, जिसका नाम है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ओके, अभी लिखना नहीं है। देखो, एक समय पे एक काम मैंने आपको पहले कहा था, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। मैं आपको यूनिट दिखा देता हूं और ये किसी भी क्वेश्चन में टपक जाएगा। ओहो, ये देखो जी, पूरी की पूरी एक यूनिट बना दी पार्टनरशिप के अंदर, पूरी की पूरी एक यूनिट बना दी हमने पार्टनरशिप के अंदर, ट्रीटमेंट ऑफ जीएलपी। जीएलपी एक ट्रांजैक्शन है, क्या है वो समझते हैं। और जीएलपी आपका कहीं पे भी आ सकता है, डेथ में भी आ सकता है, एडमिशन में भी आ सकता है, रिटायरमेंट में भी आ सकता है, कहीं पे भी जीएलपी की बात की जा सकती है। आप ये कह सकते हो कि जीएलपी एक ट्रांजैक्शन या एक एडजस्टमेंट है। बात समझ में आ रही? इसीलिए अभी तक मैंने जीएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को छेड़ा ही नहीं, क्योंकि इसका, जैसे हमने गुडविल पढ़ी थी, तो गुडविल का सोचा कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। गुडविल का सोचा कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। गुडविल का सोचा एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ऐसे ही अब जेएलपी का सोच लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? जेएलपी क्या होती है सुनना। पहले हम मीनिंग समझेंगे, फिर हम इसकी नीड को समझेंगे, क्यों पार्टनरशिप फर्म में जेएलपी की जरूरत है, और फिर हम इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे आएंगे कि जर्नल लेजर क्या होता है। बात समझ में आई? पहले मुझे समझना पड़ेगा मीनिंग। अगर मीनिंग में ही झोल हो गया तो बाकी सब समझने की जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि मीनिंग ही गलत है अपना। और अगर नीड ना समझ में आई तो अकाउंटिंग बेकार हो जाएगी, यानी कि जर्नल लेजर ही नहीं समझ में आएगा। तो पहले करेक्ट मीनिंग, फिर व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ जीएलपी, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि भैया इसकी अकाउंटिंग होगी कैसे, बुक्स में, बैलेंस शीट में या पीएनएल में, ये क्या, कहां कहां इसका अमाउंट घूमेगा। आर यू वेटिंग माय पॉइंट? ट्रस्ट मी, आफ्टर वन आवर आप जीएलपी एक्सपर्ट बन जाओगे। एक घंटे की बात है, 12:30 हुए हैं, 1:30 बजे आपसे बात करेंगे, क्लियर है? और अब पार्टनरशिप एक्सपर्ट बन जाओगे। बल्कि बात समझ में आई? इधर देखना, मीनिंग ऑफ जीएलपी सुनिएगा, नोटिंग नहीं, मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय जीएलपी? एक बार पूरा नाम लिखते हैं, नाम से ही कुछ अर्थ निकालते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एक पॉलिसी है जो किस पे डिपेंडेंट है? लाइफ के ऊपर। और लाइफ अब की बार कैसी है? ज्वाइंट पॉलिसी। क्या हमने कभी एलआईसी का नाम सुना है? इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी। 2 मिनट में जीएलपी से बाहर आ रहा हूं, लेकिन आपने जहां जहां पॉलिसी का नाम सुना होगा, मैं वो वर्ड लिख रहा हूं, आपने मेडिकल पॉलिसी का नाम सुना है? मेडिकल पॉलिसी। सर, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और इंश्योरेंस, चलो एक बार इंश्योरेंस की बात, मेडिकल की बात करते हैं, फिर इंश्योरेंस भी समझ लेंगे। मेडिकल पॉलिसी में क्या होता है? मेडिकल पॉलिसी में क्या होता है? आपको ये वर्ड पॉलिसी समझ में आना चाहिए। मेडिकल पॉलिसी में क्या होता है? जैसे मान लो एक कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस, ये एक्चुअल में कंपनी है, आप नेट पे चेक कर सकते हो, नेशनल इंश्योरेंस ये कंपनी है, ये कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस। मैं इनके पास गया, अभी मैं जेएलपी नहीं समझा रहा, मैं पॉलिसी का मतलब समझा रहा हूं
फिर जेएलपी कनेक्ट हो जाएगी इससे। मैं इस कंपनी के पास गया, मैंने कहा नेशनल कंपनी, मैं इसके एजेंट के पास गया, इस कंपनी का कोई ना कोई एजेंट होगा, मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, जैसे एलआईसी के एजेंट होते हैं, ठीक है। मैं इस कंपनी के एजेंट के पास गया, मैंने कहा यार मुझे ना पॉलिसी चाहिए। इसने मुझे कहा सर आज क्या तारीख है, 9 अक्टूबर 2023। मैंने कहा जी मुझे पॉलिसी दे दो। इसने कहा सर एक साल का टर्म होगा, यानी कि ये पॉलिसी कब खत्म हो जाएगी, सॉरी 24, एक साल बाद ये पॉलिसी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। मैं मेडिकल पॉलिसी क्यों ले रहा हूं, मेरी बात को समझना। कंपनी नेशनल इंश्योरेंस मुझे एक प्रॉमिस बेचेगी, एक प्रॉमिस सेल करेगी, प्रॉमिस टू पे इन केस ऑफ मेडिकल इलनेस। अगर मैं मेडिकली बीमार हो गया, मेरा इलाज चला, तो ये कंपनी पैसे देगी। आज 9 अक्टूबर 2023 को ये कंपनी मुझे क्या बेच रही है, एजेंट के थ्रू, एजेंट के थ्रू। मैं किससे बात करूंगा, एजेंट से। वो कंपनी का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। मैं एजेंट के पास गया, मैंने कहा भाई मेरे को ना अपनी मेडिकल पॉलिसी करानी है, तो कंपनी मुझे एक प्रॉमिस बेचेगी इस डेट पे, कि प्रॉमिस करते हैं कि हम अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका इलाज हम कराएंगे, खर्चा हम उठाएंगे। ये प्रॉमिस मेरे को बेच रहे हैं, लेकिन ये प्रॉमिस इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं बीमार पड़ूं। मैंने कहा जी, एजेंट ने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा, कहते जी आप कितने तक का इलाज कंपनी से करवाना चाहते हो, मतलब प्रॉमिस कितने तक का चाहिए। मैंने कहा जी 5 लाख रुपए का, यानी कि अगर मैं बीमार पड़ गया इस पीरियड के दौरान, अगर मैं बीमार पड़ गया इस पीरियड के दौरान, 1 ईयर का टेन्योर होता है, उसके बाद आपको पॉलिसी रिन्यू करानी पड़ती है। तो मैंने कहा जी अगर मैं इस पीरियड में बीमार पड़ गया तो मेरा 5 लाख तक का बीमारी का खर्चा कौन उठाए, कंपनी। क्या कंपनी ने मुझे प्रॉमिस बेचा, और किस बात, किस चीज का प्रॉमिस बेचा, बोलो, प्रॉमिस टू कंपनसेट इन केस ऑफ मेडिकल इलनेस। अगर मैं मेडिकली बीमार हो गया, मेरा इलाज चला हॉस्पिटल में, तो 5 लाख तक का खर्चा कौन उठाएगा, कंपनी। और बीमारी का पीरियड क्या होना चाहिए, बीमार कब पड़ना चाहिए बंदा, इस पीरियड के दौरान। क्या कंपनी इस प्रॉमिस के एवज में मुझसे कुछ फीस चार्ज करेगी, बिल्कुल। मान लो कंपनी ने मुझसे 12,000 रुपए ले लिए, ये मेरी क्या है, कंपनी ने मुझे क्या दिया, प्रॉमिस। बदले में मैंने कंपनी को क्या दिया, बोलो, फीस। ये प्रॉमिस का, प्रॉमिस की पेमेंट हो गई। कंपनी मुझे प्रोडक्ट बेचती है तो भी तो मैं पैसे देता हूं। आज कंपनी मुझे क्या बेच रही है, प्रॉमिस, तो मैं कंपनी को क्या दूंगा, पैसे। इसका मतलब मैं 12,000 रुपए दे के फ्री हो जाऊंगा, 12,000 रुपए दे के मेरे को एक रिस्क कवर मिल जाएगा एक साल के लिए, कि अगर एक साल तक मैं बीमार पड़ा तो 5 लाख तक का खर्चा कौन उठाएगा, कंपनी उठाएगी। मैंने 12,000 रुपए दे दिए, मैं 12,000 रुपए दे के फ्री हो गया। ये 12,000 रुपए टेक्निकली कहलाते हैं, इधर देखना, ये 12,000 रुपए टेक्निकली कहलाते हैं, ये 12,000 रुपए टेक्निकली कहलाते हैं प्रीमियम। ये 12,000 रुपए टेक्निकली कहलाते हैं क्या, प्रीमियम। और ये 5 लाख रुपए टेक्निकली कहलाता है पॉलिसी अमाउंट। और ये प्रीमियम कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका पॉलिसी अमाउंट कितना है। अगर आपने 1 करोड़ का पॉलिसी अमाउंट लिया है कि कंपनी मुझे 1 करोड़ का प्रॉमिस करे, तो कंपनी आपसे कितनी फीस चार्ज करेगी, 12,000 या 12,000 से ज्यादा। अब 12,000 से ज्यादा करेगी। जितना ज्यादा प्रॉमिस होगा, रिस्क कवर जितना हाई होगा, प्रीमियम भी उतना हाई होगा। ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कंपनी का खतरा उतना बढ़ जाता है। सर अगर हम बीमार ही नहीं पड़े एक साल, अगर हम बीमार ही नहीं पड़े, तो दोस्त ये 12,000 आपका सिंपली खर्चा है, मिट्टी हो गई ये पैसे। लेकिन आप एक साल तक सेव तो रहे, रिस्क कवर तो रहा आपके ऊपर, बोलो, एक प्रॉमिस खरीदा आपने कंपनी से, उस प्रॉमिस की ये कॉस्ट है। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने ये पॉलिसी खरीद ली, मेरे को ये 5 लाख मुझे नहीं मिलेंगे, मेरी बात को सुनना, ये कंपनी कहां पे करेगी, हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने 12,000 रुपए चुका के एक साल तक क्या चीज इंजॉय की, रिस्क कवर, कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो 3 लाख का खर्चा हुआ, 4 लाख का खर्चा हुआ, 2.5 लाख का खर्चा हुआ, तो ये सारा खर्चा कौन पे करेगा। मेरे को तो खाली जाके अपने डॉक्यूमेंट, कंपनी से पॉलिसी ले ली, कंपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू करेगी एक रिटर्न में, कागज, वो कागज कहां दिखाने हैं, हॉस्पिटल में।
आगे की कार्रवाई हॉस्पिटल वाले जाने और कंपनी जाने। हॉस्पिटल वाले प्रैक्टिकली बता रहा हूं अपने आप कंपनी को मेल डाल देते हैं, कंपनी का बंदा अपने आप कोऑर्डिनेट करता है किससे, हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल वाले अपने आप बिल रेज कर लेते हैं कि 3.5 लाख रुपए दे दो, कंपनी अपने आप वेरीफाई करके पे कर देती है। बात समझ में? हाँ, आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होता है, जब हॉस्पिटल को क्या आ जाती है, अप्रूवल, तब वो आपको गेट पास दे देते हैं कि जाओ। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कंपनी को कोई डाउट होता है कि भैया ये तो फेक एडमिट हुआ है, सही है आदमी एडमिट नहीं हुआ, या तो आदमी गलत एडमिट हुआ है या ये फर्जी दिखा रहे हैं, तो कंपनी उस केस में क्या करती है, अपना बंदा भेज के फिजिकली वेरीफाई करती है उस चीज को कि ये बंदा सही में हॉस्पिटल में एडमिट है या झूठ बोल रहा है, कहीं हॉस्पिटल वाले मिल तो नहीं जाए इससे। बात समझ में आ रही है? तो अब एक बात समझना, ये है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये है प्रीमियम पेड और ये है पॉलिसी अमाउंट। ये क्या कॉन्सेप्ट है? मेडिकल पॉलिसी। ये कौन सी पॉलिसी है? मेडिकल पॉलिसी। अब मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस नाम सुना है आपने? इंश्योरेंस नाम सुना है? क्या हम किसी अपने घर में व्हीकल की इंश्योरेंस करा सकते हैं? नॉर्मली जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है। ये वर्ड सुना है, गाड़ी की इंश्योरेंस, स्कूटी की इंश्योरेंस, सुना है आपने ये वर्ड? इधर देखना क्या होता है इंश्योरेंस। मैंने 9 अक्टूबर को गाड़ी ली, मैंने इंश्योरेंस करवाई, कंपनी ने मुझे प्रॉमिस किया 1 साल के लिए। कंपनी ने मुझे क्या प्रॉमिस किया? 1 साल के लिए। 1 साल कब लैप्स हो जाएगा? 1 दिन पहले, अगले साल 1 दिन पहले। कंपनी कहती है जी इस दौरान अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, अगर इस साल में 1 ईयर में आपकी गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट, तो वी विल पे, डोंट वरी। आप वर्कशॉप में जाना, पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाना, वर्कशॉप वाला मैनेजर हमारे से अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेगा, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको हम कवर बेच रहे हैं कितने का, मान लो 2 लाख रुपए का। 2 लाख तक का खर्चा गाड़ी पे कौन उठाएंगे? हम उठाएंगे। इस 2 लाख रुपए के पॉलिसी अमाउंट पे मुझे कितने पैसे देने पड़ गए, मान लो 6,000। तो ये 6,000 क्या है? प्रीमियम पेड। लेकिन ये क्या है? पॉलिसी अमाउंट। बात समझ में आ रही है? और भी फीचर होते हैं पॉलिसी में, मैं वो फीचर डिस्कस नहीं कर रहा, आई रिपीट, और भी पॉलिसी में फीचर होते हैं कि जी चाबी गुम गई तो उसका भी पैसा मिलेगा, इंजन का इतना मिल जाएगा, चोरी हो गई तो ये हो जाएगा जी, नट बोल्ट का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अलग, वो सेपरेट, वो अलग इश्यूज हैं। मैं आपको मोटी मोटी बात ये समझा रहा हूं कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है। कंपनी द्वारा किया जाता है एक प्रॉमिस कि इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको नुकसान हुआ, ये देखो ना, गाड़ी, गाड़ी का नुकसान हुआ, बोलो, और ऊपर हेल्थ का नुकसान हुआ, तो नुकसान होने पे आपको फाइनेंशियली मदद की जाएगी। दोनों ही केस में, मेरे 2 एग्जांपल में देख लो, पहले वाले एग्जांपल में नुकसान किस चीज का हो रहा है, हेल्थ का, दूसरे वाले एग्जांपल में नुकसान किसका हो रहा है, वेल्थ का। तो हेल्थ और वेल्थ पे अगर नुकसान आता है तो वो नुकसान की जिम्मेवारी किसकी होगी, भुगतने की, कंपनी की, एंड कंपनी विल चार्ज प्रीमियम फॉर दिस प्रॉमिस। प्रीमियम कौन किसको देता है, पॉलिसी होल्डर देता है किसको, कंपनी को। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? कंपनी विल पे, कंपनी विल पे एट द टाइम ऑफ लॉस। अब वो लॉस का, लॉस किसका हो, वेल्थ का हो या हेल्थ का हो, कंडीशनल प्रॉमिस है। अगर लॉस नहीं हुआ ना तो कुछ नहीं देंगे, और इनफैक्ट ये जो प्रीमियम लिया है ये भी वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि 1 साल तक पॉलिसी होल्डर सेफ्टी महसूस करता है और कंपनी रिस्क महसूस करती है। आप इस चीज को समझो, कंपनी, जो पॉलिसी होल्डर होता है वो तो सेफ महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि वो तो कहता है कि मैंने 6,000 दे दिए, गाड़ी अगर कहीं लग गई, मान लो लक्ष्मी नगर में बम्पर टूट गया, साइड मिरर टूट गया, तो मैं तो वर्कशॉप में ले जाके खड़ी कर दूंगा, मैंने तो 6,000 दे रखे हैं, अगले अपने आप भुगतेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? लेकिन कंपनी जिसने पॉलिसी बेची है वो तो अपने आप को खतरे में महसूस करती है ना। अगर 1 साल तक आपकी गाड़ी नहीं लगी,
अगर एक साल तक आपकी गाड़ी नहीं लगी कहीं पे भी, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो कंपनी ये 6,000 रिफंड नहीं करेगी, और लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, तो पैसे देने का कोई सवाल है ही नहीं। पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी आपको एक प्रॉमिस बेचेगी। कंपनी आपको, कोई भी पॉलिसी ले लो आप, कंपनी आपको एक प्रॉमिस बेचेगी। उस प्रॉमिस में एक लिमिट होगी, 5 लाख 2 लाख कि आपको कंपनसेट करा जाएगा इतने अमाउंट तक। लेकिन वो जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? पॉलिसी अमाउंट। लेकिन कंपनी फ्री में ये प्रॉमिस नहीं करती, कंपनी आपसे क्या चार्ज करती है? प्रीमियम। अब ये बात नहीं आनी चाहिए कि प्रीमियम कौन किसको पे करता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? और कंपनसेशन कंपनी की तरफ से कब मिलती है, यह बात भी नहीं आनी चाहिए। कंपनसेशन मिलेगी ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस। लॉस वेल्थ का भी हो सकता है और हेल्थ का भी, वो तो डिपेंड करता है पॉलिसी कौन सी है। मेडिक्लेम है तो, कार इंश्योरेंस है तो, आर यू वेटिंग माय पॉइंट। अब आते हैं लाइफ पॉलिसी पे। इधर देखना, मैं जेएलपी में से क्या समझा रहा हूं? एलपी। जे को समझा देंगे तो वो पार्टनरशिप के केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं जेएलपी में से क्या समझा रहा हूं? एलपी। अभी तक मैंने नॉर्मल पॉलिसी समझाई आपको, जो आप अपने घरों में देखते हो, कार की इंश्योरेंस बोलो, मेडिकल इंश्योरेंस पेरेंट्स की देखते हो, कार की इंश्योरेंस नई कार लेते हो, सही है सर? नो। अब मैं किस पे आ रहा हूं? लाइफ पॉलिसी पे। सुनना, लाइफ पॉलिसी का मतलब समझना, मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद। लाइफ पॉलिसी क्या होती है, इसमें एक वर्ड एड ऑन करूंगा मैं, क्या? जॉइंट, बाद में, आराम से सुनना। लाइफ पॉलिसी क्या होती है, सुनना, इधर देखना। मैं एलआईसी के पास गया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, बोलो, लाइफ इंश्योरेंस। कनॉट प्लेस में इनका ऑफिस है, बहुत बड़ा, अगर आप कभी आउटर सर्कल पे देखो ना, रेड से कलर की बिल्डिंग है, जोनल ऑफिसेज भी हैं, एलआईसी, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज, आई थिंक जहां जनपद है ना, जनपद मार्केट, उसके बाहर की तरफ होगा मेरे ख्याल से, मेरे को ध्यान नहीं है ऐसे, लेकिन है पक्का एलआईसी ऑफिस। इधर देखना, मैं इनके पास गया, अगेन एजेंट होंगे, पब्लिक से डील करने के लिए कौन होगा? एजेंट्स, आराम से एलआईसी एजेंट्स होते हैं। आपने एलआईसी एजेंट अपना ऑफिस खोल के भी बैठ जाते हैं कई बार एरिया में, आपने देखा होगा दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है एलआईसी, बात समझ में? वो कौन है? एजेंट। वो आपकी क्या कर देगा? पॉलिसी। आराम से सुनना, कंपनी, आराम से सुनना, कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में हमेशा क्या मिलेगा आपको? एजेंट। चाहे आप कार की पॉलिसी ले लो, चाहे आप हेल्थ की पॉलिसी ले लो, और चाहे आप लाइफ की पॉलिसी ले लो, बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंपनी डायरेक्ट डील नहीं करती, कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव उतार रखे हैं बाजार में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एजेंट के नाम से। बात समझ नहीं? आओ जी, लाइफ पॉलिसी समझते हैं, और इस पे जॉइंट वर्ड जब मैं ऐड करूंगा तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, लेकिन जॉइंट वर्ड बाद में ऐड होगा, पहले लाइफ पॉलिसी समझ लो। बात समझ में आ रही है? इधर देखना, एलआईसी और आपके घरों में आज जाकर के जरूर बात करना पेरेंट से, उन्होंने पक्का कहीं ना कहीं अपनी एलआईसी ले रखी होगी, ये तो आप पढ़ते भी हो, एटीसी प्रीमियम पढ़ोगे इनकम टैक्स में, जो आप कंपनी को प्रीमियम पे करते हो ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है खर्चे की तरह लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इंडिविजुअल टैक्स पेयर को क्या कहता है? लेस कर लो। उस बात में नहीं जा रहा मैं, मेरे को लाइफ पॉलिसी समझानी है। पहले सुनना, मैं कंपनी के पास गया, एलआईसी के पास। कंपनी कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया। बात समझ में? इधर देखना, मैं इसके पास गया, एजेंट के पास, मैंने कहा जी मुझे एलआईसी करवानी है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करवानी है। कहते आओ। मैंने कहा जी स्कीम समझाओ। कहते जी ऐसा है, 20 साल की स्कीम है। कहते 20 साल की स्कीम है। मैंने कहा क्या करना होगा? ऐसे चलते चलते हम 20 साल तक आएंगे। कहते आपको हर साल एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा 25,000। एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा कितना? आज 9 अक्टूबर है, मैंने कहा पॉलिसी दे दो। पहला प्रीमियम कब जाएगा? 9 अक्टूबर 2023। अगला प्रीमियम 9 अक्टूबर 2024। उससे अगला प्रीमियम 9 अक्टूबर
बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है या नहीं? बोलो जी। मैंने कहा जी अगर मैं आपको, मैं एजेंट से पूछ रहा हूं, मैंने कहा जी अगर मैं आपको 25,000 रुपए हर साल पेमेंट दूंगा तो इसका फायदा क्या होगा? मेरी जेब से आने वाले 20 साल में कितने पैसे निकल जाएंगे? 5,00,000। आने वाले 20 साल में धीरे धीरे एनुअली मैं कंपनी को क्या दूंगा मुझे बता दो। अगर आपने मेरी 10 मिनट बाद ध्यान से सुन ली ना, पार्टनरशिप के केस में जीएलपी का मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है? 30 सेकेंड्स के अंदर क्लियर होगा। पार्टिसिपेट करना इसमें जरूर। मैंने 20 साल तक कंपनी को धीरे धीरे एनुअल बेस पे कितना पैसा दिया? 25,000। 20 साल में कलेक्टिव अमाउंट कितना दे दिया? ये बात क्लियर हो रही है? बोलो जी। अब मुझे एजेंट कहता है जी जब 20 साल खत्म हो जाएंगे ना तो ये पॉलिसी ओवर हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। जैसे एफडी का टाइम लैप खत्म हो जाता है, एफडी कराते हो 5 साल के लिए, एफडी क्या हो जाती है? अब मैं लाइफ इंश्योरेंस बता रहा हूं आपको। मैंने कहा अच्छा 20 साल के बाद ये जो हमने, मैंने कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या हो जाएगा? पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू होता है, सिग्नेचर होते हैं बकायदा। 20 साल का टेन्योर है, 20 साल के बाद जो ये एग्रीमेंट है हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा 20 साल तक मैंने पैसे कितने दे दिए कंपनी को? 5,00,000। एजेंट कहता है घबराओ मत, आपको एजेंट कहता है घबराओ मत, आपको जैसे ही ये पूरा हो जाएगा ना टेन्योर, आपको लगभग 5,30,000 मैच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएंगे। चलो इसको और समझने के लिहाज से कहता 5,00,000 मिल जाएंगे 20 साल में जब ये पॉलिसी टर्मिनेट होगी ना। ये 5 क्यों लिखा है बताऊंगा। एक चीज और समझानी है इसलिए वैल्यू चेंज कर दी, क्योंकि अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर फायदा क्या हुआ? दिए भी 5 और ले भी 5 रहे हो, क्या फायदा हुआ इस पॉलिसी का? अब फायदे सुनो, इसलिए 5 कर दिया था, नहीं तो आपको 30,000 का क्या नजर आता? फायदा, मैंने फायदा उड़ा दिया, क्योंकि वो चीज सोच नहीं पाओगे उसके बाद। इधर देखो क्या हुआ, मैंने कहा जी मेरे से कितने पैसे ले लो? 25,000 करके 5,00,000। जब ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, पॉलिसी का टाइम होता है, कार की इंश्योरेंस का टाइम कितना होता है? 1 ईयर। बोलो मेडिकल का टाइम कितना था? 1 ईयर। हर साल आपको क्या करानी पड़ती है? रिन्यू। बात समझ में आई? लेकिन लाइफ पॉलिसी का टेन्योर थोड़ा सा ज्यादा होता है, इट मे बी 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर्स। मैंने 20 ईयर ले लिया, 20 ईयर के बाद एजेंट कहता है जी जो पैसा आपने भरा है ना वो वापसी हो जाएगा। मैं कहा भाई मेरा फायदा क्या हुआ? मेरा फायदा क्या हुआ? कहता ध्यान से सुनो, ये 5,00,000 रुपए कब मिलेंगे? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जो आपका पॉलिसी अमाउंट है, मैंने पॉलिसी इसका मतलब कितने की खरीदी होगी? 5,00,000 की। जो पॉलिसी अमाउंट होगा, वर्ड क्लियर हो रहा है? पॉलिसी अमाउंट कितना था? 5,00,000। कंपनी का प्रॉमिस कितना था? 5,00,000। कंपनी ने उसको डिवाइड कर दिया किससे? 20 से, और मेरे से हर साल कितने ले लिए? तो कंपनी अपना पॉलिसी अमाउंट कब देगी? 20 साल बाद। बात समझ में आई? कोई फायदा हो रहा है पॉलिसी होल्डर को? नहीं। अब सुनना, फायदा समझाता हूं। मैंने आज से लेकर 20 साल तक कितना भरा जल्दी बताओ, दोबारा बोलो इस बात को। 5 भरा, और अगर ये पॉलिसी 20 साल चली तो मेरे को एंड में कितना मिल जाएगा? 9 फायदा। मैंने उसको कहा फायदा क्या है? एजेंट कहता जी लाइफ पॉलिसी लेते किस लिए हो? खतरा किस पे महसूस हो रहा है? लाइफ पे खतरा किस पे महसूस हो रहा है? कार के केस में खतरा किस पे महसूस हो रहा था? कार पे। बोलो मेडिकल क्यों ली थी? हेल्थ पे, कि बीमार पड़ सकता हूं, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। लेकिन लाइफ के केस में खतरा किस पे महसूस हो रहा है? लाइफ में ही महसूस हो रहा है, कि अगर इलाज भी नहीं हो पाया, इलाज तो हो गया लेकिन इलाज होने के बाद में बचा नहीं ना। बोलो गाड़ी चोरी होना और खराब होना अलग अलग बात है, बॉडी खराब हुई है और बॉडी परमानेंट ही, दो तरह का लॉस है। सोनो मेडिकली खराब इलनेस आती है, रिकवर कर जाते हो, परमानेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? इधर देखना, अब सुनना, पॉलिसी होल्डर को रिस्क महसूस हो रहा है, ये रिस्क वर्ड भी क्लियर है। कार के केस में एक्सीडेंट का रिस्क था, मेडिकल के केस में बीमार होने का।
अब पॉलिसी होल्डर को एक रिस्क महसूस हो रहा है, हम ये पॉलिसी लेते क्यों है, सुनना, ऐसे ही फिर आएगा पार्टनरशिप ये पॉलिसी क्यों लेती है, सुनना, एक इंडिविजुअल आदमी लाइफ पॉलिसी क्यों लेता है, क्योंकि उसको अपनी लाइफ पे क्या महसूस हो रहा है, खतरा, वो कहता है जी अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरी फैमिली को संभालेगा कौन फाइनेंशियली, तो कंपनी कहती है अगर 20 साल के दौरान आपकी कभी भी डेथ हुई, मान लो बंदे ने 3 साल पॉलिसी चलाई थी तो कितना पैसा पे करा होगा, 75, तो कंपनी कहती है ये 75 तो आपके घर वालों को मिलेगा ही, क्योंकि ये तो आपने भर रखा था, लेकिन इमीडिएट जो 5 लाख यहां मिलता प्रॉमिस वो इसमें एड ऑन होके आपके घर वालों को मिलेगा तुरंत इन केस ऑफ डेथ। 20 साल की पॉलिसी है, जब तक जिंदा हो भर रहे हो पॉलिसी, द मोमेंट आपकी डेथ हुई इन बिटवीन तो जितना आपने भरा होगा प्लस जो हमारा प्रॉमिस था 5 लाख वो आपके घर वालों को इमीडिएट मिलेगा। अब प्रॉफिट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, भरा कितना 75, मिला कितना 5.75। क्या कंपनी कंपनसेट कर रही है इन केस ऑफ लॉस, और यहां पे लॉस किसका है, पर्सन का, फैमिली से बंदा चला गया, क्या फैमिली को कोई फाइनेंशियल हेल्प मिली इमीडिएटली, जो बंदा अकेला कमाने वाला होता है वो तो ये बात सोचता है कि मैं इमीडिएटली अगर मेरी डेथ हो गई, जो सिचुएशन चल रही है कोविड एंड ऑल, तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल एड फाइनेंशियल हेल्प कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, मेरे बच्चों की एजुकेशन, इमीडिएट पैसा कहां से आएगा, ऐसे आएगा। अगर डेथ हुई 10th ईयर में जाके, किसकी डेथ होना, पॉलिसी होल्डर की, डेथ किसकी होनी चाहिए, पॉलिसी होल्डर की, जिसके नाम पे पॉलिसी इशू हुई है, 10 साल के बाद डेथ हुई, मुझे बताओ हर साल मैंने कितना भरा, हर साल मैंने कितना भरा 25, मैंने खुद कितने पैसे दे दिए होंगे कंपनी को, 2.5 लाख, कंपनी कहती है 10वें साल के अंत में फैमिली को 2.5 लाख तो देंगे देंगे, लेकिन ओरिजिनली 5 लाख का प्रॉमिस था, कितना देंगे 7.5, सारा प्रॉफिट, बोलो, दो एग्जाम्पल समझ में आए। मैंने अब कंपनी से तीसरा सवाल किया, मैंने कहा इसका मतलब डेथ होगी तो ही प्रॉफिट होगा, मैंने एजेंट को क्या बोला, मैं कहा डेथ होनी चाहिए प्रॉफिट के लिए, अच्छा पॉलिसी भर कौन रहा है, पॉलिसी होल्डर, उसकी हो गई डेथ, प्रॉफिट को कौन एंजॉय करेगा, कितनी अजीब बात है, मैं प्रॉफिट खाने के लिए होऊंगा ही नहीं, मेरी फैमिली एंजॉय करेगी, और जबकि इंश्योरेंस भर कौन रहा है, प्रीमियम भर कौन रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कहते नाराज मत हो, सुनो बात को ध्यान से, मैं कहा मरना जरूरी है प्रॉफिट के लिए, मैंने एजेंट को यही बोला, मैं कहा मरना जरूरी है प्रॉफिट, नॉर्मली आप पॉलिसी लेने जाओ, बात ऐसी होती है, से सुनो, कहता सुनो, कहते अगर आप 0 पॉइंट ऑफ, इधर देखो 25,000 दे रहे हो, कहते मरना जरूरी नहीं है, कहते 20 साल तक दिए, आपने पॉकेट से कितने दिए, आपको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, बात समझ में आई, कहते अब इसके आगे कभी भी डेथ होगी ना, तो मान लो 21 ईयर में हो गई, 22nd ईयर में हो गई, 25th ईयर में हो गई, 40 साल बाद हो गई, पॉलिसी खत्म होने के बाद कभी भी डेथ हुई, पॉलिसी खत्म होने के बाद कभी भी डेथ हुई, पॉलिसी खत्म होने के बाद कभी भी डेथ हुई, तो यहां पे भी 5 लाख किसको मिलेगा, फैमिली को। अब बताओ अगर मैं पूरी पॉलिसी भर के भी चला गया तो भी तो प्रॉफिट हो रहा है, मैंने जितने भरे थे मुझे रिफंड मिल गए, और मेरी डेथ के केस में मेरी फैमिली को एक फाइनेंशियल एड मिल गई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो क्लियर है या नहीं? ये तीसरी सिचुएशन समझ में आई, मैंने 2-3 सिचुएशन बताई आपको, अगर पॉलिसी का टर्म खत्म नहीं हुआ मेरी डेथ हो गई तो कितना पैसा घर वालों को मिलेगा, जो दे दिया प्लस जो प्रॉमिस था, अगर डेथ नहीं हुई नुकसान नहीं हुआ लेकिन टाइम खत्म हो गया, नुकसान तो हुआ ही नहीं ना, टाइम खत्म हो गया तो जितना भरा है वो वापसी ले लो, और उसको बढ़ा के पता है क्यों नहीं दे रहे, 5 लाख भरा था 5 ही वापिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी
कंपनी कब देने के लिए लायबल है? अभी भी पॉलिसी पूरी कर दी, डेथ के केस में फैमिली को तो देगी देगी। हाँ अब वो लाइन समझ में आई होगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, घर वाले तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। पॉलिसी होल्डर की डेथ पहले हो बाद में हो, घर वालों की तो लॉटरी लगेगी ही लगेगी। बात समझ में आ रही है? बताओ जी, क्लियर है? यार आराम से, कंपनी इससे कैसे प्रॉफिट कमाती है जो आप 25-25 हजार दे रहे हो? कंपनी इसको फर्दर इन्वेस्ट नहीं करती, बताता हूं। LIC के पास मैंने पॉलिसी कराई, LIC के पास हर साल मैं कितना पैसा जमा करा रहा हूं बोलो? आराम से सोचना, आराम से सोचना, आराम से मुझे एक चीज बताओ। LIC मैक्सिमम केसेस में कितना लॉस, मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस LIC को कितना है? LIC को मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस कितना है? 5 लाख जितनी पॉलिसी है। सही है सर? नो, आप 3 साल के बाद डेथ हो गई तो 75 हजार तो आपने दिए ही थे, वो 5-75 दे रहे हैं तो कंपनी का लॉस कितना है? आपने 20 साल में 5 भरे, इन्होंने यहां 5 वापसी कर दिए, लेकिन डेथ पे 5 लाख दिए, तो कंपनी का मैक्सिमम लॉस कितना है? अब मेरी बात को सुनना, जो पॉलिसी होल्डर कंपनी के पास जमा करा रहा है ना, LIC की बात कर रहा हूं, LIC वाले इस अमाउंट को, LIC के पास हर साल अमाउंट आना है, LIC के पास हर साल अमाउंट आना है पॉलिसी होल्डर से। LIC बैंक की तरह काम करता है, ये जो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है LIC के पास, इसको होम लोन दे देता आगे लोगों को। LIC भी होम लोन देती है, खाली बैंक नहीं देता। हाँ, बैंक शायद होम लोन पे 9% चार्ज करता होगा, LIC 8.75 चार्ज करती है इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो LIC ने आपके द्वारा दिया गया प्रीमियम LIC ने किस पे चढ़ा दिया? ब्याज पे चढ़ा दिया, इन द फॉर्म ऑफ होम लोन। तो LIC वहां से कमा रही है। नहीं आ रही बात समझ? पक्की बात है? और एक और बात समझना, जो 18 साल का बंदा पॉलिसी लेता है या 20 साल का बंदा पॉलिसी लेता है, LIC समझदार है, उसको पता है इंडिया में एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो कितनी है, 60-70 साल। तो अगर इसको 20-25 साल की पॉलिसी बेची है, इसको डेथ तो इसकी होनी नहीं है। नॉर्मली 100 में से 90 लोगों की डेथ तो होगी नहीं, 80 लोगों की डेथ तो होगी नहीं। तो LIC क्या करती है, इधर देखना, 20 साल तक तो कंफर्टेबली इस प्रीमियम को लोन पे चढ़ाती है, और उसके बाद डेथ कब होगी पता ही नहीं। तो LIC आपके पैसे को 4 गुना कर देती है, और आपको तो सिर्फ डबल ही रिटर्न कर रही है। मैक्सिमम 5 लाख भरोगे 10 लाख मिलेगा, लेकिन LIC आपके पैसे को उस 20 साल में 4-5 गुना कर जाती है। LIC लॉस में थोड़ा जा रही है। बात समझ में आ रही है या नहीं बोलो? क्लियर है? इधर देखना, अब एक बात आराम से सुनना, अब मैं 2-3 लाइनें बोलूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी डॉक्यूमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी डॉक्यूमेंट? इट इज एन रिटन एग्रीमेंट विच इज इशूड बाय द कंपनी टू द पॉलिसी होल्डर कंटेनिंग द प्रोमिस। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या है? कंटेनिंग द प्रोमिस विच इज कंडीशनल इन नेचर, कि इन केस ऑफ लॉस हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट, और बदले में आप क्या दो, बदले में आप क्या दो, प्रीमियम। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप एक चीज बताना, मैं एक लाइन बोलता हूं, अगर आपको समझ में आ गया ना, ये पार्टनरशिप से कनेक्ट हो जाएगा इस वर्ड के बाद। क्या पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेकर के फ्यूचर में अरेंजमेंट ऑफ फंड कर लिया या नहीं कर लिया? लाइन दोबारा बोलूंगा, सुनना, पार्टनरशिप से 30 सेकंड्स में क्लियर होगी ये बात। क्या पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेकर के, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेकर के फ्यूचर में जो उसको पैसा चाहिए या जो उस अनसर्टेनिटी महसूस होती है, टू सम एक्सटेंट उसने एक अरेंजमेंट ऑफ फंड कर लिया या नहीं कर लिया? अगर वो जीता रहा तो 5 लाख मिल जाएंगे, अगर उसकी डेथ हो गई तो फैमिली को मिल जाएंगे, लेकिन फंड अवेलेबल होगा, फंड अवेलेबल होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब दूसरी एक लास्ट बात और समझ लो इसी पॉलिसी में, लास्ट बात समझ लो, पार्टनरशिप का क्लियर हो जाएगा, कनेक्ट कर देता हूं। इधर देखना, लास्ट बात और समझ लो, मैंने अपने एजेंट को बोला, मैंने कहा भाई ना तो इन बिटवीन मेरी डेथ हुई और ना मुझे इस कंपनी के साथ 20 साल पूरे करने हैं, मान लो 7 साल हुए हैं अभी,
मान लो 7 साल हुए अभी, मान लो अभी कितना टाइम हुआ है, 7 साल, मैंने कितना प्रीमियम दे रखा होगा, 25 × 7 175। मैंने कहा जी मेरे को 7 साल बाद के, 7 साल बाद जाकर के पैसों की जरूरत पड़ गई, घर में कोई शादी आ गई, मेरे को घर खरीदना है, कोई और एक्सपेंस आ गया घर के अंदर 7 साल बाद, मुझे और कोई जगह ही नहीं नजर आ रही कि जहां से मैं पैसा अरेंज करूं, क्योंकि अगर ये पैसा मैं एफडी में डालता तो 7 साल बाद मैं एफडी तोड़ाने लायक तो होता। बोलो अगर मुझे 7 साल बाद अपने भरे हुए पैसे की नीड है तो अब मरना जरूरी नहीं है। आप कंपनी के पास जाओ, कंपनी को बोलो जी मेरी पॉलिसी जो है ना, जो हमने प्रॉमिस कर रखा था आपस में, आप कैंसिल कर दो, यानी कि 7 साल के बाद, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए आपका प्रॉमिस अगले 13 साल के लिए, आप इसको ब्रीच करो, मेरे पैसे वापसी करो, क्योंकि मैं जी रहा हूं। अगर मैं पॉलिसी पूरी करता तब भी तो जीते हुए आप 5 लाख देते ना मुझे, अगर मैं पूरी करता तो। आज मैं बीच में छोड़ रहा हूं तो मैंने जितना भरा है पेनल्टी लगा लो थोड़ी सी, 1000-2000 की क्या हो गया, नॉमिनल पेनल्टी लगा लो, या कंपनी को अगर रहम आ गया, कंपनी थोड़ा सा इस पे नॉमिनल ब्याज देना चाहती है, 175 भरा है 179 दे दो, 175 भरा है 174 दे दो, पेनल्टी लगाओगे तो 174, इंटरेस्ट दोगे तो 179। मतलब मैं ये सिखा रहा हूं, जीते जी मैं अपनी पॉलिसी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लेके जा रहा हूं तो उस केस में मुझे 5 लाख तो नहीं मिलेंगे, मुझे 5 लाख तो नहीं मिलेंगे, ये बात तो पक्की है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा 7 साल के बाद मुझे घर खरीदना है, अगर ये पैसों की मैंने एफडी कराई होती मैं बैंक में जाके एफडी विड्रॉ कर लेता, मुझे आपकी पॉलिसी नहीं चाहिए, नमस्ते मेरा पैसा वापसी करो, तो कंपनी उस केस में 5 लाख देगी क्या, यानी कि पॉलिसी अमाउंट उस केस में नहीं पे होगा, उस केस में ये जो 174 या 175 या 179 जितना आपने भरा होगा उसमें माइनस कर देंगे पेनल्टी, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रहम आ गया वो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, रहम आ गया तो इंटरेस्ट दे देंगे नॉमिनल सा छोटा सा कि चलो जी कोई बात नहीं, लेकिन ये वैल्यू जो एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन मिलेगी ये कहलाती है सरेंडर वैल्यू, ये वैल्यू क्या कहलाती है, सरेंडर वैल्यू, क्योंकि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बता दो, इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में, आराम से दो बातें बता दो, इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में पॉलिसी अमाउंट क्लियर है, पॉलिसी अमाउंट क्लियर है, बोलो सरेंडर वैल्यू क्लियर है, सरेंडर वैल्यू क्या मिलती है, एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो ब्रीच कभी भी कंपनी की तरफ से नहीं होता, वो हमेशा किसकी तरफ से होता है, पॉलिसी होल्डर की तरफ से। बात समझ में आई? पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, बात समझ में आई? ये कब मिलता है, ये या तो मैच्योरिटी पे मिलेगा, ये या तो मैच्योरिटी पे मिलेगा, बोलो ये या तो मैच्योरिटी पे मिलेगा या ये डेथ पे मिलेगा। 20 साल पूरे हो जाएंगे तो भी 5 लाख दे देंगे, 20 साल से पहले डेथ हो जाए तो भी 5 लाख दे देंगे, लेकिन ये कब मिलेगा, कैंसिलेशन पे। और इसका अच्छा वर्ड क्या है, ब्रीच ऑफ, और कंपनी का राइट है एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पे पेनल्टी लगा दे कंपनी कि आपने प्रॉमिस कैसे तोड़ दिया। ये तो डिपेंड करेगा कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो डिपेंड करेगा कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन इस पॉलिसी का सार क्या है, इस पॉलिसी से हमने क्या कर लिया, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स कर लिया या नहीं कर लिया इन फ्यूचर, इन फ्यूचर कर लिया या नहीं कर लिया, बोलो जी। इंडिया में प्रैक्टिकली लोग कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। एक बंदा 25 साल का है, वो क्या करता है, 25 साल की पॉलिसी लेता है, उसको पता है 70 साल से पहले कहीं नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन पॉलिसी कितने की लेता है, 25 साल की। हर साल वो कंपनी को क्या कहता है, इधर सुनना, हर साल वो कंपनी को कहता है जी मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूं, 25 साल तक दूंगा, कितने दे दूंगा, 25 लाख। अब मुझे बताओ, जो ये आज 25 साल का बंदा है, जब ये 25 साल खत्म होंगे तो इसकी एज कितनी होगी, 50। इसके बच्चे की एज कितनी होगी, इसके बच्चे की एज होगी 23-24 अराउंड अप्रोक्स। क्या इस टाइम पे जब ये 50 का होगा और इसका बच्चा 22-23 साल का होगा, इसको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए पैसा चाहिएगा नहीं चाहिएगा, इसके बच्चे को अब्रॉड जाना है पढ़ाई के लिए, पैसा चाहिएगा नहीं चाहिएगा। इसने 25 लाख की पॉलिसी ली, मैच्योरिटी पे इसको कितना अमाउंट मिल जाएगा, 25। अपने बेटे की शादी कर सकता है,
उसकी एजुकेशन में डाल सकता है। फर्दर जब इसकी डेथ होगी एट द एज ऑफ 65-70, 25 लाख इसकी वाइफ को मिल जाएगा। तो पॉलिसी से अरेंजमेंट ऑफ फंड हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं इतनी सी बात कर रहा हूं, अरेंजमेंट ऑफ फंड हो रहा है या नहीं हो रहा बोलो। अब सुनो मजे की बात, पार्टनरशिप के केस में अगर ये सेम पॉलिसी पार्टनरशिप के केस में ले ली जाए, कैसे लेंगे अभी बता दूंगा, पार्टनरशिप के केस में ले ली जाए और 4 साल बाद हमारा एक पार्टनर कहता है जी मैं तो रिटायर हो रहा हूं, तो हम पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और पैसा वहां से अरेंज कर सकते हैं जो उसको रिफंड करना है? रिटायरमेंट के केस में आपको पैसा रिफंड करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? एबीसी सी आज एबीसी 4 साल के बाद सी कहता है जी मेरे को तो रिटायर होना और मेरे 10 लाख रुपए बनते हैं। अभी और भी कहेंगे 10 लाख रुपए आएंगे कहां से भाई, 10 लाख रुपए आएंगे कहां से? तो जिस डेट पे पार्टनरशिप शुरू होती है या बाद में अगर पार्टनर को ऐसा फील होता है कि हमें फंड्स की आवश्यकता है फ्यूचर में, तो थोड़ी थोड़ी सेविंग शुरू करते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं। पॉलिसी लेंगे कैसे भी बता दूंगा कि कल को अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट आ जाती है, किसी पार्टनर की डेथ आ जाती है, तो डेथ के केस में भी हमें उसके घर वालों को पैसा देना पड़ता है, रिटायरमेंट के केस में अगला खुद हमारी जान खाता है, तो दोनों ही केस में हमें फंड्स चाहिए। तो ये फंड आएंगे कहां से? हम एक पॉलिसी ले लेते हैं, अगर डेथ हो गई किसी की तो पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा, और अगर किसी की रिटायरमेंट आ गई तो हम पॉलिसी को कैंसिल करके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके सरेंडर वैल्यू ले आएंगे, कुछ फंड्स तो होंगे देने के लिए। अरेंजमेंट ऑफ फंड हो रहा है या नहीं हो रहा? और वो जो पॉलिसी लेंगे कैसे लेंगे वो बात की बात है, जो पॉलिसी लेंगे उसका प्रीमियम कौन देगा, ए बी सी या फर्म? फर्म। और फर्म इस पॉलिसी से क्या कर जाएगी, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। आपको ये बात समझ में आई, कनेक्ट हुई 30 सेकंड्स में ये बात? जेएलपी की नीड समझ में आई? क्योंकि ये पॉलिसी अब फर्म लेगी तो इसीलिए इसको लाइफ पॉलिसी ना बोल के क्या बोल देंगे हम, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, क्योंकि इसमें एबीसी तीनों जुड़े हुए हैं, इसमें एबीसी तीनों जुड़े हुए हैं। अभी मैं इसका मोड ऑपरेंडी समझा देता हूं आपको, मोड समझा देता हूं, काम करने का तरीका बता देता हूं आपको, लेकिन मुझे एक चीज बता दो, आपको पॉलिसी का मीनिंग समझ में आया, नीड समझ में आई, अरेंजमेंट ऑफ फंड? डेथ के केस में एग्जीक्यूटर जान खाएगा कि पैसे दो, पैसे आएंगे कहां से? सी की डेथ हो गई, ए और बी एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि पैसा आएगा कहां से? तो अगर आप प्लानिंग से चलते तो पॉलिसी ले लेते, पॉलिसी का प्रीमियम कौन देता, फर्म। और आज डेथ हो गई थी तो कंपनी अपने आप आपको पॉलिसी अमाउंट हाथ में देती, और वो आप किसको दे देते उठा के, एग्जीक्यूटर को, कुछ राहत तो मिलती टू सम एक्सटेंट, थोड़ा बहुत पैसा तो अवेलेबल होता। और रिटायरमेंट आ गई तो सी कहेगा लाओ जी पैसा, कहां से आएगा भाई? तो रिटायरमेंट के केस में हम क्या करते, पॉलिसी अमाउंट तो मिलता नहीं, सब जिंदा है, रिटायरमेंट के केस में हम क्या करते, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के पास जाते, हमें पैसे की नीड है, पॉलिसी कैंसिल करो, सरेंडर वैल्यू दे दो। बात समझ में आई या नहीं? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेएलपी। अभी मैं अकाउंटिंग में नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट तो मजाक है, एंट्री क्या होगी, लेजर कैसे बनेगा, तो बच्चों की बात है। मीनिंग तो समझो कि मीनिंग क्या है और नीड क्या है। अब सवाल ये कि सर अगर पार्ट, अभी आपको ये समझ आया कि पार्टनरशिप को जेएलपी की जरूरत क्यों है। अब सवाल ये, इधर देखना, पार्टनर्स को क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। पार्टनर्स को क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, क्योंकि भैया कल को रिटायरमेंट भी आ सकती है और डेथ भी, और उन दोनों केस में मुझे क्या चाहिए, एग्जीक्यूटर को देने के लिए। और ये वर्ड सुने आपने, एग्जीक्यूटर, बोलो जी पक्की बात है या नहीं, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, समझ आ रही बात, अरेंजमेंट ऑफ फंड। अब एक बात बताना आराम से, अगर मुझे फंड्स अरेंज करने हैं तो मुझे पार्टनरशिप फर्म को क्या लेनी पड़ेगी, पॉलिसी। वो पॉलिसी क्या कहलाएगी, वो पॉलिसी क्या कहलाएगी, जल्दी बताओ, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब आगे की कहानी बता रहा हूं। इस पॉलिसी के थ्रू क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, और वो कहां काम आएगा, रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ, क्योंकि रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर जान खाता है, डेथ के केस में एग्जीक्यूटर जान खाते हैं। समझ आ रही कहानी?
बताओ जी, रिटायरमेंट के केस में पार्टनर क्या करेंगे, भैया हमें पैसे चाहिए, तो कंपनी के पास जाएंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सरेंडर वैल्यू ले आएंगे। और डेथ के केस में कंपनी खुद चल के आके पॉलिसी अमाउंट दे देगी आपको, तो भी पैसा आ जाएगा एग्जीक्यूटर को देने के लिए। डिसोल्यूशन में डेथ किसी की नहीं हुई ना, और फर्म बंद हो रही है, तो बताओ लॉजिकली क्या करेंगे हम? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के पास जाएंगे, जी हमारी तो पार्टनरशिप खत्म हो गई, हमें नहीं चलानी है पॉलिसी, नमस्ते। कंपनी क्या कहेगी? पकड़ो सरेंडर वैल्यू। लॉजिकल सोचो ना, पॉलिसी अमाउंट सिर्फ एक केस में मिलेगा, डेथ। बात समझ में क्लियर है या नहीं? अब इधर देखना, जेएलपी, जेएलपी अगर फर्म की बात करूं, पार्टनर्स चाहे तो वो जॉइंटली भी ले सकते हैं पॉलिसी या सेवरली भी ले सकते हैं। सेवरली का मतलब क्या होता है? सेपरेटली। आराम से सुनना, बहुत ध्यान से। हम पॉलिसी कैसे भी लें, प्रीमियम कौन पे करेगा? फर्म। हम पॉलिसी जॉइंटली लें तब भी फर्म, और सेवरली लें तब भी फर्म। फर्म विल पे द प्रीमियम ऑलवेज। सर नहीं नहीं, आप ये समझाओ कि प्रीमियम पार्टनर ने खुद दिया है, ए ने खुद दिया है, बी ने खुद दिया है, सी ने खुद दिया है। अरे वो खुद दिया होगा तो वो तो प्राइवेट पॉलिसी हो जाएगी, फिर फर्म में उसकी अकाउंटिंग थोड़ी ना होगी। अगर ए ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रखी होगी तो उसका खर्चा फर्म थोड़ी ना उठाएगी, वो तो प्राइवेट पॉलिसी होगी उसकी अपनी इंडिविजुअल। फर्म का तो कोई लेना देना नहीं है उसमें। फर्म का लेना देना किसमें है? जहां फर्म पे कर रही हो प्रीमियम। बात समझ में आ रही है या नहीं? इधर देखना, जॉइंटली कैसे ली जाती है, सुनिएगा। हम कंपनी के पास जाते हैं, ये मेन बात है, क्योंकि यही पहला वर्ड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो जॉइंट वर्ड समझो आप। पॉलिसी कैसे ली जाती है? कंपनी कहती है ये लो जी अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ए बी सी तीनों के नाम लिखे जाएंगे, क्योंकि अब एक होल्डर नहीं है, तीन होल्डर हैं। कंपनी मैच्योरिटी वैल्यू कब देगी, पॉलिसी अमाउंट कब देगी? कंपनी पॉलिसी अमाउंट कब देगी? जब इन तीनों में से किसी की भी डेथ हो जाए, क्योंकि उसी का एग्जीक्यूटर तो खड़ा होगा पैसे लेने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड जॉइंट पॉलिसी, जेएलपी। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर एक ही डेथ हो गई, इसमें एक को पॉलिसी होल्डर बनाया जाएगा या तीनों को? सर तीनों को बनाएंगे, क्योंकि तीनों की फर्म है, और प्रीमियम कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों की लाइफ पे पॉलिसी ली जाएगी। किसी की भी डेथ होगी तो पॉलिसी अमाउंट किसको मिलेगा? फर्म को। और फर्म ने किसको देना होता है? वो एग्जीक्यूटर को। अरेंजमेंट ऑफ फंड समझ में आ रही है बात? बताओ जी, क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात समझना, सेपरेटली ए बी और सी कितनी पॉलिसी इशू होंगी? तीन। ए बी और सी तीन पॉलिसी इशू होंगी, लेकिन इन तीन पॉलिसियों का अलग अलग इशू होंगी, ए के नाम पे, बी के नाम पे और सी के नाम पे। लेकिन मजे की बात सुनना, तीनों का ही प्रीमियम कौन चुकाएगा? फर्म। पॉलिसी एक लो या तीन, पॉलिसी एक लो या तीन, प्रीमियम हमेशा किसने देना है? फर्म ने। बात समझ नहीं? अब सुनना, तीनों में से एक ही डेथ हो गई, इसका तो क्या मिल जाएगा? पॉलिसी अमाउंट। बी और सी तुरंत अपनी पॉलिसी को क्या करेंगे? सरेंडर, क्योंकि फंड्स चाहिए, फंड्स चाहिए। बताओ ना, तीन अलग अलग पॉलिसियां हैं, लेकिन तीनों क्या हैं? पार्टनर। तीन अलग अलग पॉलिसियां हैं, तीनों क्या हैं? पार्टनर। एक आदमी की डेथ हुई, इसका तो कंपनी खुद ब खुद क्या दे देगी? पॉलिसी अमाउंट। लेकिन एक बात बताओ ना, ये दो जो पॉलिसियां हैं, इसका प्रीमियम भी कौन दे रहा था? इसका प्रीमियम भी कौन दे रहा था? तो इसका मतलब खर्चे में जीते जी हिस्सेदारी किसने डाली थी? क्या
बी और सी की पॉलिसी पे, बी और सी की पॉलिसी पे जो प्रीमियम दिया गया उस प्रीमियम की हिस्सेदारी ए ने भी निभाई थी या नहीं निभाई थी, क्योंकि वो प्रीमियम दिया किसने था, फर्म ने, तो इनका तो पॉलिसी अमाउंट नहीं मिल रहा ना, तो इनको अपनी बाय डिफॉल्ट पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो फल होगा उसमें ए भी तो खाएगा या ए के घर वाले भी तो खाएंगे आराम से। दोबारा मेरे ख्याल से पहले वाले केस में कोई डाउट नहीं है, लेकिन दूसरे वाले केस में एक डाउट अराइज हो गया, सर ए की डेथ हो गई तो ए का तो क्या मिल जाएगा खुद ब खुद पॉलिसी अमाउंट, किसको, फर्म को, हमेशा पैसा किसको मिलेगा, फर्म को, क्योंकि दोनों ही केसेस में प्रीमियम कौन पे कर रहा है, फर्म, खर्चा उठाया किसने। अब मुझे बताओ इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस केस में कोई दिक्कत है तो पहले बता दो, ज्वाइंट वाली में तीनों की लाइफ पे सिंगल पॉलिसी, तीनों की लाइफ पे सिंगल पॉलिसी, बात समझ में आ रही है, तीनों की लाइफ पे क्या करा हमने, सिंगल पॉलिसी। अगर किसी की भी डेथ होती है तो पॉलिसी अमाउंट किसको मिलेगा, फर्म को। क्या वो डेथ के केस में एग्जीक्यूटर जो चिल्ला रहे होंगे ये पॉलिसी अमाउंट उनको देने के काम आएगा, अरेंजमेंट ऑफ मनी। अब मुझे बताओ अगर अलग अलग पॉलिसियां ली होंगी तो जिसकी डेथ होगी उसका तो पॉलिसी अमाउंट खुद ब खुद मिलेगा, लेकिन जो बाकी दो का प्रीमियम दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है, सी और बी और सी ने या फर्म ने, तो इस पॉलिसियों इस इन दो पॉलिसियों से जो फल लगने वाला है उस पर किसकी वैल्यू होनी चाहिए, किसका हक होना चाहिए, फर्म का, और फर्म इंक्लूड्स ए ऑल्सो, तो इनको अपनी पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, सरेंडर। क्योंकि जब ये तीन पॉलिसियां ली गई होंगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ही बोल रहे हैं इसको भी, ये पॉलिसी ली गई होंगी तो हमने अपनी पार्टनरशिप का प्रूफ क्या दिया होगा, पार्टनरशिप डीड, हमने कंपनी को कहा होगा ना कि एबीसी इस पार्टनरशिप के अंदर क्या है, पार्टनर, और उसका प्रूफ है ये डीड। अब एक बार बताओ ए की डेथ होते ही क्या वो डीड इनवैलिड हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि अब उसमें ए तो बचा ही नहीं है। अगर वो इनवैलिड हो गई तो उस डीड के अंतर्गत दी गई पॉलिसियां, जो बची हुई पॉलिसियां हैं, उनको आपको सरेंडर करना पड़ेगा या कंटिन्यू कर सकते हो, सरेंडर करना पड़ेगा ना। अब अगर आपको बी और सी को नई पॉलिसी चाहिए तो नई डीड लेके आओ, नई पॉलिसी ले लो। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिविजुअल पॉलिसीज नहीं ली जाती, नॉर्मली क्या ली जाती है, पार्टनरशिप के केस में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि इन पॉलिसियों को क्या करना पड़ता है फिर, सरेंडर, और इनकी सरेंडर वैल्यू किसको मिलती है और उसमें एक हिस्सा किसका होता है, बात समझ में आ रही है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी, पानी पीना है, पानी पी लो, 10 सेकंड की ब्रेक है, पानी पी लो। आनंद जी 10 सेकंड हो गए, कहाँ पीजी जा रहे हो। हाँ जी, किसने, अच्छा घर वालों को ना यकीन नहीं होता हमारा बच्चा इतना पढ़ रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को समझ में आया, आई होप यार क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, पक्की बात है। टर्म लाइफ नहीं होती, टर्म प्लान होता है वो। आपने वो विराट कोहली की एड देख ली, मेरे को लग रहा है पीएनबी मेट लाइफ, टीवी नहीं देखते, वो टर्म प्लान होता, टर्म लाइफ नहीं होती। देखो पॉलिसियां बहुत हैं, फीचर अलग अलग है, हमें तो एक स्टैंडर्ड फीचर समझ के अकाउंटिंग करनी है। अब कौन सा वाला पार्ट रह गया, अभी समझा देता हूँ, इजी है, लिखवा चाहे बाद में देंगे, समझ तो लो, कितना इजी है।
पहली क्लास में क्या पढ़ा था, मीनिंग या करेक्ट मीनिंग? आज क्या पढ़ा? मैं कोई भी बात बोलता हूं ना, ऐसे नहीं बोलता हूं। है? एक अर्जुन हमारा बाहर घूम रहा है, लेकर आओ उसे पकड़ के रणभूमि में, रणभूमि में लेके आओ उसे, उसे रणभूमि में लेके आओ। इसमें जर्नल एंट्रीज देखो ना, भूचाल है। देखो जीपीएस लगा के ट्रैक करो। आओ जी, अकाउंटिंग वाली बात करें, नोटिंग नहीं, पहले दिमाग में नोटिंग करो। क्या कह रहे हो? दिमाग में, क्योंकि ये दिमाग ही तो जाएगा एग्जाम में, शीटें तो यहीं रह जाएंगी सर। मेरा तो एक असूल है, नोट ही तब करना चाहिए जब समझ में आया हो, वरना तो बेकार है वो, अर्थ का अनर्थ है वो तो। बोलो जी, सिखा दोगे पार्टनरशिप? बोलो, अब बनारस के अंदर अगर आपसे कोई जेएलपी पूछ ले तो जरा बता देना, पक्की बात है? आज नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी डिस्कस, मैंने कहा था ना बताऊंगा पार्टनरशिप के डाउट्स कैसे हुआ करेंगे, करा दूंगा वो, करा दूंगा मैं, मतलब मैं बता देता हूं अभी, आपको क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे। मुझे पता है, मुझे 4-5 क्वेश्चन शायद कराने पड़ेंगे। अरे आनंद जी कहां रह गए थे? आप एक ब्रेक मांग रहे थे आज, हमने आपको दो दी। भारत रत्न भी दिलवा दें? आओ जी, अकाउंटिंग समझते हैं। मुझे एक चीज बताओ सोच के, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कितने अमाउंट्स का लेन देन हो रहा है, या मैक्सिमम कितने अमाउंट्स का लेन देन हो सकता है? अकाउंटिंग किसकी होती है? बोलो, पक्की बात है? कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में लेन देन किस चीज, कितनी कितनी बार हो रहा है? सर एक तो प्रीमियम पे कर रही है फर्म। अच्छा, हम कौन है, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंटेंट या पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट? हम पार्टनरशिप फर्म के, हमें पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम किसके मुंशी हैं? मुंशी समझते हैं आप, अकाउंटेंट। हम किसके मुंशी हैं? फर्म। क्लियर है? फर्म ने क्या पे करा? प्रीमियम। फर्म को क्या रिसीव हो सकती है? सरेंडर वैल्यू इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोल लूं ये वर्ड, कोई आपत्ति तो नहीं? देख लो, आप लॉ पढ़ते हो, मुझे लगता है डर आपसे, आपने सेक्शन निकाल लेना अभी एक मिनट में। या फिर फर्म को क्या मिल सकती है, फर्म को क्या मिल सकता है? पॉलिसी अमाउंट। बोलो, इन्हीं तीन चीजों का लेन देन होगा, इसी की तो अकाउंटिंग है, इसी की तो क्या है, अकाउंटिंग। क्या ऐसा हो सकता है? अभी कुछ नहीं लिखवा रहा, लिखवा तो अगली क्लास में दूंगा, आपको पता मैं अकाउंटिंग लिखवा अगली क्लास में दूंगा आराम से, आप समझते जाओ, पहले दिमाग में ना छप जानी चाहिए जीएलपी। अगली क्लास में आते ही लिखवा दूंगा, आधे घंटे में क्या दिक्कत है, सारा कॉन्सेप्ट लिखवा दूंगा शुरू से, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद डिपार्टमेंटल कर लेंगे। अकाउंटिंग, प्रीमियम की अकाउंटिंग कैसे हो, सरेंडर वैल्यू की अकाउंटिंग कैसे हो, पॉलिसी अमाउंट की अकाउंटिंग कैसे हो, यही तो कहानी है भाई। जो लेन देन है, जर्नल एंट्री तो उसी की बनेगी,
लेजर तो उसी का बनेगा। जो हम एजेंट के साथ गप्पे मार के आए, क्या उसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम? हमने एजेंट को क्या दिया, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? कल को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैसा प्राप्त होगा फर्म को, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? कल को डेथ होगी तो पैसा मिलेगा। आप समझ रहे हो ये अकाउंटिंग किसके किसके बीच में है? जब मैं, आप समझ पा रहे हो? आओ जी, अब मुझे बताओ किसी भी चीज को करने के एक से अधिक रास्ते हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? कैसे? एक से अधिक रास्ते हो किसी भी चीज को करने के, एग्जाम्पल दो। सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर अगर आपने कभी दो रास्ते देखे होंगे, एक एक ही चीज के दो रास्ते, तो वो डेप्रिसिएशन में देखे होंगे, SLM और WDV, दोनों से ही क्या आता है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट। क्या दो रास्ते हैं एक काम को करने के लिए? यहां पे प्रीमियम, सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी अमाउंट, क्योंकि ये तीन चीजें हैं, तो हम तीन अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री। अभी नोट नहीं करना, तीन तरह के मेथड हैं जिनके थ्रू आप अपनी अकाउंटिंग को रूट कर सकते हो। ध्यान यहां पे दो, मैं नोटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपस में गप्पे मार रहे हो, आराम से समझो। नजर हटी, दुर्घटना पक्का घटी, बात समझ में? अकाउंटिंग करनी है मुझे, अकाउंटेंट को क्या करना है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मेथड वन से भी हो सकती है, इस सब की मेथड टू से भी हो सकती है, और मेथड थ्री से भी हो सकती है। मैं अभी मेथड वन समझाऊंगा पहले, फिर मेथड टू, और फिर मेथड थ्री शायद समझाऊं या ना समझाऊं, देखते हैं, टाइम मिलेगा तो देख लेंगे। पर वन और टू में पकड़ बन गई, तो थ्री जो है वो पांच मिनट से ऊपर का है ही नहीं समझने के लिए आज से। और अगर टू नहीं समझ में आया तो बहुत से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थ्री आ ही नहीं सकता। थ्री के लिए टू समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? अब मैंने मीनिंग समझ लिया, मैंने नीड समझ ली, अब मेरे को क्या करनी है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने मेथड अवेलेबल हैं? तीन। पहला मेथड, मैं मेथड वन की बात कर रहा हूं, मेथड वन का नाम है बिजनेस एक्सपेंडिचर मेथड, या आप सिंपली बोल सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड क्या कहता है, आराम से सुनना, अब मैं वर्ड्स को यूज करूंगा, मीनिंग आपको समझा चुका हूं। ये मेथड कहता है जो भी प्रीमियम फर्म पे कर रही है किसको, कंपनी को, आप उसे अपना क्या मान लो, एक्सपेंडिचर। अकाउंटेंट जी, आप फर्म का क्या मान लो, एक्सपेंडिचर। जैसे फर्म सैलरी पे करती है, रेंट पे करती है, कार्टेज पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करती है, जैसे दूसरे एक्सपेंसेस पे करते हो, वैसे ही इस प्रीमियम को क्या मान लो, एक्सपेंस। बात समझ में आई या नहीं आई? और ईयर एंड पे आप जैसे सैलरी को, रेंट को, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को, कार्टेज को पीएनएल में डाल देते हो, वैसे ही इस प्रीमियम पेड को भी कहां डाल देना, पीएनएल में। यानी कि अंडर द बिजनेस एक्सपेंडिचर मॉडल या मेथड, द प्रीमियम पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। आराम से, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सैलरी पेमेंट की एंट्री क्या होती है, सैलरी टू बैंक या सैलरी टू कैश। इधर क्या हो जानी चाहिए, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक। जर्नली जो कंपनी को आप पैसा दोगे वो कैश में नहीं देते, वो कैसे देते हो, चेक से, तो बैंक से जाता है पैसा। 25,000 हर साल प्रीमियम दे रहे हो, तो ये 25,000 का क्या आ गया, खर्चा, ये डेबिट हुआ है, तो एक्सपेंस है ये। और जैसे हर साल ये कौन सी डेट पे एंट्री होगी, नो जल्दी बोलो, जब भी डेट ऑफ जो भी पेमेंट होगी, पेमेंट की डेट होगी, 9 अक्टूबर थी ना शायद। और ईयर एंड पे 31 मार्च पे आप इसको कहां ले जाना, पीएनएल में। पीएनएल में ले जाने की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम,
दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यानी कि हर साल आप जो प्रीमियम भर रहे हो, हर साल जो आप प्रीमियम भर रहे हो, आप उस प्रीमियम को क्या मानो? एक्सपेंस। और जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी खर्चे को आप पीएनएल में डालते हो, तो पीएनएल की कौन सी साइड डालते हो उस खर्चे को? डेबिट साइड। तो इसीलिए पीएनएल डेबिट और टू जेएलपी। आप चेक करो इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, जेएलपी प्रीमियम से जेएलपी प्रीमियम, तो लेजर बराबर हो जाएगा। इतनी बात तो पता है अपने को, जेएलपी प्रीमियम से जेएलपी प्रीमियम का लेजर तो बराबर हो जाएगा। बचेगा क्या? पीएनएल डेबिट हुआ और पेमेंट आउट हुई। तो इनफैक्ट नटशेल में बात करें तो क्या हुआ? आपका एक्सपेंस हुआ जिसकी आपने पेमेंट करी। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन ये दोनों एंट्रियां मर्ज नहीं हो सकती क्योंकि डेट अलग अलग है। वो एंट्री मर्ज कब होती है? जब सेम डेट पे हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आ गई? बताओ जी, पक्की बात है या नहीं? क्या मैंने इस मेथड के अंदर, मेथड वन के अंदर, अभी मेथड वन चल रहा है, इस मेथड के अंदर इस अमाउंट को डील कर लिया या नहीं कर लिया? हर साल आप प्रीमियम दोगे, हर साल उसको क्या बनाते जाओ? खर्चा। अभी मैं मेथड वन फॉलो कर रहा हूं। अकाउंटेंट कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है? बिजनेस एक्सपेंडिचर मॉडल या मेथड। हर साल प्रीमियम दे रही है फर्म, तो वो क्या बना रहा है? पहले पेमेंट कर देता है, बाद में पीएनएल में ट्रांसफर कर देता है उसको, जस्ट लाइक सैलरी, जस्ट लाइक रेंट, एनी अदर एक्सपेंस। क्लियर है? अब सर, अगर इस मेथड को फॉलो करते हुए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या प्राप्त होगी? सरेंडर वैल्यू। इस मेथड को फॉलो करते हुए किसी की डेथ हो गई तो क्या रिसीव होगा? नहीं आ रही बात समझ? क्लियर है या नहीं? अब अकाउंटिंग किसकी समझनी है? अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आप मेथड वन फॉलो कर रहे थे तो जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, डेथ हुई, तो कंपनी पे करेगी, कंपनी पे करेगी पॉलिसी अमाउंट डेथ के केस में, तो फिर अकाउंटिंग क्या होगी? अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री। समझ आ रही बात? जेएलपी का ऐसा चार्ट बना देंगे आप कहोगे मजा आ गया सर। जेएलपी का अगली क्लास में ना एक काम करेंगे, चार्ट बना देंगे, बहुत बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट ऑन जेएलपी। पूरे लक्ष्मीनगर को पढ़ा देना जेएलपी, जो पीजी रह रहे हैं खास तौर पे। आनंद जी, अपनी लेन की जिम्मेवारी किसकी है? पूरी गली पास होनी चाहिए। क्लियर है या नहीं? मजा आ रहा है जेएलपी में? अब आओ सरेंडर वैल्यू और पॉलिसी अमाउंट। मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रीमियम हर साल पे कर रही है कौन कर रही है? फर्म। प्रॉफिट किसके रिड्यूस हो रहे हैं? क्या पार्टनर के प्रॉफिट्स, पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स इस प्रीमियम की वजह से हर साल कम नहीं हो रहे? भाई फर्म को झटका लग रहा है तो पार्टनर्स को झटका लग रहा है या नहीं लग रहा? अब मुझे बताओ, इस प्रीमियम का बर्डन क्या सब लोग झेल रहे हैं या कोई अकेला झेल रहा है? अगर कल को कंपनी से सरेंडर वैल्यू मिली या पॉलिसी अमाउंट मिला तो सब में बटेगा या एक में बटेगा? बात समझ में आई? कल को सरेंडर वैल्यू मिली, आराम से सुनना, अकाउंटेंट के पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी भी तो बैंक में पैसा डालेगी, क्या बोलेंगे? बोलो जेएलपी, सरेंडर वैल्यू, अभी कुछ भी नाम लिख लो कोई दिक्कत नहीं, सरेंडर वैल्यू। एक सेकंड, आप ये लिख दो, अकाउंटेंट के पास सरेंडर वैल्यू आई तो वो क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सरेंडर वैल्यू। लिख सकता है या नहीं लिख सकता? मान लो सरेंडर वैल्यू आ रही है 1.75, हमने कुछ किया था ना ऐसा 1.75। अब मुझे बताओ ये पैसा रिसीव किस डेट पे हुआ? जिस भी डेट पे होगा, 4 साल बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 5 साल बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आई थिंक मेरे वाले एग्जांपल में 7 साल बाद था। मान लो एक मिनट के लिए ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को हुआ, हमें 30 जून को पॉलिसी जाके सरेंडर करनी पड़ी, तो ये 30 जून को पेमेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? 10 जुलाई को, 5 जुलाई को, जब भी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी?
क्या जिस दिन ये पेमेंट आएगी, कंपनी वैसे हफ्ते 15 दिन का टाइम लेती है, आपने आज अप्लाई किया, अप्लाई टू सरेंडर, तो कंपनी 10-15 दिन का टाइम लेती है, आपको पेमेंट देती है। मान लो ये पेमेंट फर्म के पास कब आई, 30 जून को। क्या अकाउंटेंट को डे वन पे पता है कि ये 1/75 किस में बटेगा, तीनों पार्टनर में या एक में, तीनों में। तो 30 जून को अगर पेमेंट आई है, उसी दिन हमारा अकाउंटेंट क्या एंट्री डालेगा, ये जो क्या कहते हैं सरेंडर वैल्यू है, इसको ये राइट टू रिसीव है किसका, पार्टनर का, ए बी और सी। ये जो सरेंडर वैल्यू है, ये राइट टू रिसीव है किसका, ए बी सी। किस रेशो में, पीएसआर की रेशो में, और प्रिसाइजली बोले तो ओल्ड पीएसआर। नए वाले का तो इसमें रोल ही नहीं है, क्योंकि नए वाला ना तो पार्टनरशिप डीड का पार्ट था, ना वो पॉलिसी का पार्ट था, तो किसी भी सूरत में सरेंडर वैल्यू में वो थोड़ी ना खा लेगा। सरेंडर वैल्यू मिलनी है या मिल चुकी है, मिल चुकी है, चेक करो ऊपर वाली एंट्री में, सरेंडर वैल्यू तो मिल चुकी है। और अगर ये मिल चुकी है तो इमीडिएटली राइट टू रिसीव किसका है, गुडविल में झगड़े होते हैं, गुडविल मिलनी होती है, इसीलिए नया पार्टनर भी खा जाता है। सरेंडर वैल्यू मिलनी नहीं है, मिल चुकी है, इसलिए फटाफट से ए बी सी, ओपीएसआर, नो एडजस्टमेंट शीट। क्लियर है या नहीं, क्या सरेंडर वैल्यू की अकाउंटिंग समझ में आई? अब आप चेक करना, सरेंडर वैल्यू जिस दिन मिली, क्या उसी दिन ए बी सी में इमीडिएट बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी, राइट टू रिसीव। मुझे बताओ, सरेंडर वैल्यू से सरेंडर वैल्यू का लेजर तो कैंसिल हो गया, बराबर हो गया, तो नेट एंट्री क्या बची? बैंक में 1,75,000 आए, वो किसमें बट गए? क्या ये दो एंट्रियों की एक एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये सेम डेट पे है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, सेम डेट पे है। जो बच्चा जेएलपी शुरू से ढंग से सुन रहा है ना, उसे मजा आ रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं? जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ना, इस टेक्निक को पता क्या बोलते हैं, स्पून फिटिंग। छोटा बच्चा होता है ना घर में, कैसे खाना खिलाते हो, उसे पानी कैसे पिलाते हो? छोटा सा बच्चा, मान लो 1.5 साल का, चम्मच से बॉटल तो नहीं पकड़ा देते उसे, ले भाई पी फटाफट, वॉमिट कर देगा, वॉमिट करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं सारी चीजें एक बार मैराथन के तरीके से बता दूंगा फटाफट, आप क्या कहोगे? बात समझ में आ रही है, स्पून फीडिंग चल रही है, बताओ जी, क्लियर है? और इसके लिए पेशेंस चाहिए होते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आप देखो, एनालिसिस कितना है, कंपनी और फर्म के बीच में लेन देन किस बात का, प्रीमियम का, प्रीमियम को ट्रीट क्या करेंगे, फिर कल को सरेंडर वैल्यू आएगी तो क्या होगा, क्या एंट्रियां मर्ज हो सकती हैं? बात समझ में आ रही है? सर हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, आपको दो एंट्रियां समझ में आई, सरेंडर वैल्यू रिसीव की और सरेंडर वैल्यू पे राइट है, क्लियर है या नहीं? सर 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 हमने कोई सरेंडर वरेंडर नहीं किया, सी की डेथ हो गई, सी की क्या हो गई, डेथ, सी की क्या हो गई, डेथ, एक सेकेंड, सी की क्या हो गई, डेथ, कंपनी से क्या रिसीव होगा? जिस दिन डेथ होगी, कंपनी अपनी तसल्ली करेगी तो सरेंडर वैल्यू की जगह क्या आपको पे कर देगी, पॉलिसी अमाउंट। एक सेकेंड, प्रीमियम भरा किसने था? तो ये जो पॉलिसी अमाउंट आ रहा है, डेथ जरूर सी की हुई है, लेकिन राइट टू रिसीव किसका है, क्योंकि एक्सपेंस में कॉन्ट्रीब्यूट सबने करा था। तो यहां पे ये जो पॉलिसी अमाउंट, एक सेकेंड, ये एंट्री सरेंडर वैल्यू से होगी या पॉलिसी अमाउंट से? तो बैंक टू पॉलिसी अमाउंट, और पॉलिसी अमाउंट पे राइट किसका है? क्या ये एंट्री मर्ज हो जाएंगी? यानी कि सरेंडर वैल्यू के केस में और डेथ के केस में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में या डेथ के केस में, एंट्री विल बी सेम, अमाउंट विल बी डिफरेंट। नहीं आ रही बात समझ में? इफ आई रिसीव द सरेंडर वैल्यू फ्रॉम द कंपनी, देन एंट्री विल बी बैंक टू सरेंडर वैल्यू एंड देन सरेंडर वैल्यू टू एबीसी। तो नेट एंट्री क्या बनी, बैंक टू एबीसी, नेट एंट्री तो यही बनी।
और अगर पॉलिसी अमाउंट आता है तो बैंक ऑन डेबिट टू पॉलिसी अमाउंट और पॉलिसी अमाउंट डेबिट टू एबीसी, नेट नेट क्या आया, बैंक टू एबीसी। लेकिन सरेंडर वैल्यू के केस में, सरेंडर वैल्यू से पॉलिसी अमाउंट के केस में फर्स्ट मेथड इज ओवर, फर्स्ट मेथड इज ओवर नाउ। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है? पूछना पड़ता है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को क्लियर है जी? वहीं पता लगे सो गए हैं। आदित्य जेएलपी ओके है? आओ जी, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, कर लें। हाँ जी करें। आओ जी, इधर देखना, मेथड टू, और मेथड टू हो गया तो थ्री, चाहे मैं आज नहीं कराऊंगा, लेकिन नोटिंग और प्लस थर्ड मेथड हाफ एन आवर का, नोटिंग प्लस थर्ड मेथड हाफ एन आवर का। पहले टू समझ लो, जेएलपी जो है, जो पॉलिसी है, विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस नहीं, असेट। आप जेएलपी को क्या मान लो, असेट। एक्सपेंस की एंट्री मत डालो, एक्सपेंस की एंट्री मत डालो, एसेट की एंट्री डालो। अल्टीमेटली एक तरीके से फंड्स अरेंज हो रहे हैं तो पैसा आपका इकट्ठा ही तो हो रहा है ना। कंपनी को जो आप प्रीमियम भर रहे हो, कुछ मिले ना मिले, वो तो वापस मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सरेंडर वैल्यू। एक तरीके से सोचा जाए तो 25,000 हर साल डाले जा रहा हूं, एक दिन पैसा वापस तो होगा। और कम से कम कितना वापस मिलेगा हर केस में, आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब भी, सरेंडर करोगे तब भी, ब्रीच ऑफ में सरेंडर ही होगा, और अगर डेथ हो गई तब भी सरेंडर वैल्यू तो एटलीस्ट रिसीव होगी होगी। नहीं आ रही बात समझ में? पूरे खेल में ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसके वापस आने में कोई शक नहीं है? डेथ के केस में फिर पंगा हो सकता है। एयरबी को कहें सी की डेथ नहीं हुई, तुमने मर्डर किया है, पॉलिसी ये कंपनी वाले, तुमने मर्डर कर रखा है पैसों के चक्कर में, पॉलिसी अमाउंट लटकेगा, क्लेम नहीं देती कंपनी इतनी जल्दी, क्राइम पेट्रोल देखते ही होगे, मरा नहीं है मारा गया है, देयर इज अ डिफरेंस, एक ही बात है। बीमारी कोई भी हो, है तो बीमारी ही। बात समझ में आई? और ये तो सीआईडी, वो सीआईडी कौन सा, सोनी वाला या सब वाला, ये और पीछे एक चैनल आता है DD1, आता है दूरदर्शन, सुना है आपने? एक बच्चे ने मुझे कहा, मैंने कहा जी न्यूज नहीं देखते, एक बच्चा पता क्या कहता, सर आजकल ना न्यूज मैनिपुलेटेड होती है, आज तक वगैरह वाले अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं न्यूज को। अच्छा, तो कहता इसलिए मैंने ना न्यूज देखना छोड़ दिया। कहता और कोई चैनल, मैंने कहा और कोई चैनल, जी न्यूज आता है, CNBC, आवाज, SSA आते हैं, देख लिया, कहती है मैनिपुलेटेड है, आपस में भाई भाई हैं। मैं कहा अच्छा, मैं कहा दूरदर्शन सुना है, पुराने जमाने में उस पे आंखों देखी आता था, गूगल पे चेक करना। जब टीवी नहीं होते थे, मतलब टीवी जो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, टीवी सिर्फ एक ही चैनल था दूरदर्शन, डीडी नेशनल करके, ठीक है, आंखों देखी आता था उस पे, न्यूज रिपोर्टिंग होती थी, सबसे रिलायबल माना जाता था इंडिया में। मैंने कहा वो देख लिया करो। कहते हाँ वो देखूंगा भाई, आज तक उसको मैनिपुलेटेड लग रहा है, सोचो ऐसा होता नहीं है वैसे। मीडिया क्यों मैनिपुलेशन करने लगी, फिर उसे देखेगा कौन, कोई नहीं करता मैनिपुलेशन, कहने की बात है। आओ जी, आओ जी, जेएलपी विल बी ट्रीटेड एज एसेट। आप जो प्रीमियम दे रहे हो, मुझे एक चीज बताओ आराम से सोच के, पॉलिसी अमाउंट तो फिर भी लटक सकता है,
क्योंकि कंपनी को डाउट हुआ कि इसकी डेथ नहीं हुई, इसको मारा गया, पॉलिसी अमाउंट तो फिर भी लटक सकता है, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बन सकता है। लेकिन सरेंडर वैल्यू पे ना तो फर्म के अकाउंटेंट को डाउट है, ना कंपनी को डाउट है। कंपनी की सरेंडर वैल्यू जब मर्जी ले लो, आप पहले साल पॉलिसी चलाओ, दूसरे साल पॉलिसी चलाओ, आपको नहीं करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करो, सरेंडर वैल्यू ले जाओ। सरेंडर वैल्यू देने में कंपनी कभी भी आनाकानी नहीं करती, क्योंकि वो तो वो अमाउंट होता है जो आपने भर रखा होता है। तो इसका मतलब इस वाले केस में आप ये मानो जो आपने प्रीमियम जमा कराया है वो आपका जुड़ रहा है, तो आप प्रीमियम पेड को क्या मानोगे? एसेट। प्रीमियम पेड को क्या मानोगे? एसेट। और हर साल ये जेएलपी का एसेट अकाउंट बनेगा, जैसे मशीन का अकाउंट बनता है, बिल्डिंग का अकाउंट बनता है, तो क्या बनेगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट अकाउंट। पॉलिसी को आप क्या मान लोगे? एसेट। इसमें पैसा जुड़ रहा है, और मजे की बात है कौन से पैसे पे शक नहीं है, कौन से पैसे पे शक नहीं है? सरेंडर वैल्यू पे। तो ये अकाउंट मेंटेन्ड होगा किस वैल्यू पे? सरेंडर वैल्यू पे। ये अकाउंट 31 मार्च को मेंटेन्ड होगा किस वैल्यू पे? सरेंडर वैल्यू पे। ये अकाउंट 31 मार्च को मेंटेन्ड होगा किस वैल्यू पे? सरेंडर वैल्यू पे। सुनना ये लाइन, इस लाइन की इंपॉर्टेंस समझो। मैंने पहले साल प्रीमियम पे किया कितना, यानी कि मैंने एक एसेट परचेज करी कितने की? 25,000 रुपए की। एंट्री क्या करूंगा? एसेट परचेज की, मशीन परचेज की एंट्री क्या होती है? मशीन टू बैंक। तो यहां पे क्या होगी? जेएलपी टू बैंक। पर जेएलपी अब इस केस में एक्सपेंस है या एसेट, तो पीएनएल में नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में आ जाएगी। अब सुनना, मैंने लेजर बनाया जेएलपी का, जेएलपी अकाउंट, लेकिन ये एसेट का लेजर है। सुनना, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 25। अब सुनना, मुझे जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला होगा ना, जो मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला होगा उसमें क्या लिखा होगा कि पॉलिसी कितने साल की है? 20 साल की है। हर साल की सरेंडर वैल्यू का टेबल दिया होगा कि अगर आप पहले साल के अंत में आते हो तो आपने भले ही 25 दे रखे हो आपको मिलेंगे ये, दूसरे साल के अंत में आते हो तो भले ही आपने 25 दे रखे हो, 50 दे रखे हो आपको मिलेंगे ये, तीसरे साल के अंत में आते हो भले ही आपने 75 दे रखे हो मिलेंगे ये। यानी कि सरेंडर वैल्यू डे वन पे कंपनी द्वारा क्या होती है? डिफाइंड होती है, ताकि कल को झगड़ा ना हो। कंपनी कहती है आज आप पॉलिसी ले रहे हो, आपको कभी भी छोड़नी पड़ सकती है पॉलिसी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो 20 साल का आप हमारे से टेबल ले जाओ। उस एग्रीमेंट में ही लिखा होता है कि इफ यू सरेंडर पॉलिसी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, से यस और नो, यू विल रिसीव दिस मच सरेंडर वैल्यू। अब मान लो एक मिनट के लिए मैं 31 मार्च पे खड़ा हूं, फर्म का अकाउंटेंट क्या करेगा? पेमेंट दी तो एसेट में लिख दी, फर्म का अकाउंटेंट क्या करेगा? डॉक्यूमेंट निकालेगा 31 मार्च को। एक साल हो गया, एक साल के बाद उसमें लिखा हुआ है जी अगर एक साल बाद आते हो तो कंपनी पेनल्टी लगाएगी, और एक साल के बाद कंपनी कितना देने के लिए लायबल है? 24। तो वो 31 मार्च को जो सीडी लिखेगा वो कितना लिखेगा? 24। तो इसका मतलब 1,000 रुपए इररिकवरेबल है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इस 1,000 को पीएनएल में ले जाओ, इस 1,000 को किस में ले जाओ? पीएनएल में। यहां लिख दो बाय पीएनएल, कितने अमाउंट से? 1,000 रुपए से। अब चेक करो, ये आपको मशीन अकाउंट जैसा लग रहा होगा, मशीन अकाउंट खरीदी, सॉरी मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट जैसा लग रहा होगा। ध्यान से देखना, एक बार देखना, 10 सेकंड की बात है, मशीन अकाउंट जैसा लग रहा है। मशीन खरीदी कितनी लिख दी? 25। मशीन जो बच गई वो यहां लिख दी, और मशीन की डेप्रिसिएशन ये रही, और ये डेप्रिसिएशन फाइनली कहां चली जाती है? पीएनएल में। नहीं आ रही बात समझ में? पक्की बात है, बोलो जी। एक खास बात इस मेथड के अंदर जो ध्यान रखनी है, द एसेट अकाउंट विल बी मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू। सर अगर सरेंडर वैल्यू पहले साल के अंत में 26 हो तो ये सीडी कितना आ जाएगा? 26। तो 1,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। वो प्रॉफिट भी कहां चला जाएगा? पीएनएल में। लेकिन याद रहे, एसेट अकाउंट किस वैल्यू पे मेंटेन होगा? क्यों? क्योंकि इस वैल्यू में कोई शक शंका नहीं है। जिस अमाउंट में कोई शक शंका नहीं है वही तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस अमाउंट में शंका होती है, गुडविल शंकाओं से भरा हुआ, तभी तो बैलेंस शीट में नहीं आता।
एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कंजर्वेटिव प्रूडेंस, ऐसी ऐसी बातें सुनी है बचपन में, देख लो आप, कोई गलत नहीं चल रहा, सब बढ़िया चल रहा है मेरे हिसाब से। क्या एसेट के अकाउंट की तरफ देख पा रहे हो आप? इसको एसेट खरीदी, डेबिट कर दो, एसेट की रिमेनिंग वैल्यू सीडी में आ जाएगी, बैलेंस सीडी से, यस ऑर नो? रिमेनिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? भरो कुछ भी, उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन अकाउंट हर साल मेंटेन्ड किस वैल्यू पे होगा? ये सीडी बाद में कहां चले जाते हैं? बैलेंस शीट में। ये सीडी पहले कहां जाता है? ट्रायल में। ट्रायल से कहां जाता है? बैलेंस शीट में। याद है बचपन की बात? याद है थोड़ी सी? ये लेजर का जो बैलेंस होगा एसेट का 24,000, कहां चला जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो अल्टीमेटली आपकी जेएलपी किस वैल्यू पे रिफ्लेक्ट हो रही है? सरेंडर वैल्यू पे। इसमें आपको डाउट है ही नहीं ना? तो जो 1,000 रुपए कम हो गए पीएनएल में जाने दो, और ये एक्चुअल लॉस है नहीं, ये नॉशनल लॉस है, क्योंकि अभी आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा थोड़ी ना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने करा थोड़ी ना है। अभी इस 1,000 को आपको ऐसा गलत लग रहा होगा कि यार ये 1,000 ना जब लॉस है ही नहीं, आराम से सुनना, जब ये 1,000 आज लॉस है ही नहीं तो इसको पीएनएल में क्यों भेज रहे हो? इसकी 2 मिनट बाद कर लूंगा मैं। ये समझ में आ रही बात? आप सोचो कितना एफर्ट डालना पड़ता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मेथड 2, जेएलपी विल बी ट्रीटेड एज एसेट, नॉट एन एक्सपेंस। एंड सच एसेट अकाउंट, जेएलपी अकाउंट, विल बी मेंटेन्ड एट सरेंडर वैल्यू, बिकॉज सरेंडर वैल्यू के केस में हमें कोई शक शंका, कंपनी लाइबल है हर मोमेंट पे सरेंडर वैल्यू को देने के। सर सरेंडर वैल्यू हर साल पता कहां से चलेगी? पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अकाउंटेंट हर साल 31 मार्च पे क्या करेगा? पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखेगा और अपने सीडी किसको लिख देगा? सरेंडर वैल्यू। आपने भरा होगा कुछ, सरेंडर वैल्यू होगी ऊपर नीचे, तो बैलेंस कहां चला जाएगा? पीएनएल में। बात समझ में आ रही है? बैलेंस कहां चला जाएगा? पीएनएल में। क्लियर है या नहीं? अब क्या ये मेथड टू के अंदर प्रीमियम की बात हो गई या नहीं हो गई? बात समझ में आ रही है? अब आओ मेथड टू के अंदर, अगर मुझे सरेंडर वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट मिलता है तो मेथड टू के अंदर हमारा अकाउंटेंट क्या फॉलो कर रहा है? जल्दी बताओ, 5 मिनट की बात है, फोकस रखना। मेरा अकाउंटेंट क्या फॉलो कर रहा है? इधर देखो, बोलो, इधर देखना आराम से। मैंने 7 साल पॉलिसी चलाई, हर साल 25,000 भरे, कितना भर दिया? 1.75। मान लो 7 साल के बाद जो सरेंडर वैल्यू है वो 1.72 है, तो मेरी एसेट कितनी आ रही होगी बैलेंस शीट में? ये जो 3,000 का गैप है, ये जब जब फ्लक्चुएट हुआ होगा ये पीएनएल में चला गया होगा। मेरी बैलेंस शीट में एसेट किस वैल्यू पे रिफ्लेक्ट कर रही होगी? 1.72 पे। हमने उठा के पॉलिसी को क्या किया? पॉलिसी को क्या करा? सरेंडर। पॉलिसी को क्या करा? ब्रीच। प्रॉमिस को क्या करा? ब्रीच। एक बात बताओ, आज मेरी बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आ रही है? 1.72। कंपनी मुझे देगी भी कितना? क्या मेरी 1.72 वाली एसेट खत्म हो गई और मुझे रिकवर कितना हो गया? मशीन अगर 1.72 की बिके तो एंट्री कितनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन कितनी? 1.72। यहां पे मशीन एसेट है या जेएलपी? मारो एंट्री जेएलपी। नहीं आ रही बात समझ? सरेंडर वैल्यू रिसीव हो गई। सर अगर कल को खुदा ना खास्ता सरेंडर वैल्यू हमें 176 मिल जाए तो बताओ 4,000 फालतू मिल रहे हैं? सर अगर 4,000 फालतू मिलेंगे, मान लो, ये भी तो हो सकता है ना कंपनी फालतू दे दे आपको कि चलो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लो आप। सरेंडर वैल्यू ऑल दो कितनी है? 1.72। आपको 4,000 फालतू दे रहे हैं, बात समझ में? 1.76। तो बैंक कितने से डेबिट होगा? 1.76। एसेट कितनी जाएगी? 1.72। और 4,000 रुपए ये कहां चले जाएंगे? पीएनएल में। एसेट फालतू की बिकी। एसेट बुक्स में कितने की एग्जिस्ट कर रही थी? 1.72 की। बिकी कितने में? 1.76। 4,000 का प्रॉफिट किस में चला जाएगा? पीएनएल में। और आप चेक करो, जो 3,000 रुपए का
ये लॉस था, ये कहां डाला था आपने पीएनएल में, ये प्रॉफिट कहां डालोगे, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है या नहीं? और सर अगर सरेंडर वैल्यू ना मिलके पॉलिसी अमाउंट मिल रहा होगा तो ये एंट्री यही होगी, पर किस अमाउंट से? कितना कुछ पढ़ लिया, नहीं 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 नहीं, वो कई बार क्या होता है क्लॉज ये होता है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट होगा वो भी दिया जा सकता है, वो भी दिया जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये सारा नेगोशिएशन का खेल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कंपनी को डाउट लग रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है कंपनी को, जेन्युइन नहीं लग रहा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या धक्के से तोड़ रहे हैं, बेकार बात कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, 172, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपनी को एक रिक्वेस्ट लेटर डालेंगे कि हमारा जेन्युइन केस है, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम करना नहीं चाहते, हमारी जेन्युइन नीड है, फंड्स नहीं है, बिजनेस बंद हो जाएगा जी, तो जेन्युइन नीड के केस में, मैं तो सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर रिकवरी सरेंडर वैल्यू से कम होगी तो पीएनएल में लॉस, और अगर सरेंडर वैल्यू से ज्यादा होगी तो, सरेंडर वैल्यू से कम लॉस क्यों होगा, सरेंडर वैल्यू से कम लॉस, सरेंडर वैल्यू से कम रिकवरी क्यों होगी, पेनल्टी लगा देंगे, सरेंडर वैल्यू से ऊपर रिकवरी क्यों होगी, इंटरेस्ट दे देंगे, तो दोनों ही पेनल्टी और इंटरेस्ट फर्म के किस में चले जाएंगे, पीएनएल में। काम तो एक ही होगा ना, या तो कम पैसे मिलेंगे, या काम तीन होंगे रादर, या तो कम पैसे मिलेंगे या पूरे मिलेंगे, यार मशीन बुक्स में आ रही है 175 की, या तो वो 172 की बिकेगी, या 175 की बिकेगी, या वो 176 की बिकेगी, सही है सर? नो, कोई चौथी वैल्यू होती है फिर? समझ आई बात या नहीं? दिस इज मेथड टू, बात समझ में आई या नहीं? ठीक है जी, आज के लिए मैं मेथड वन खत्म कर दिया, मैंने मेथड टू मैंने खत्म कर दिया, लिखवाया नहीं है, ठीक है। मेथड थ्री मैं समझा दूंगा और इसकी नोटिंग करवा दूंगा, सारा जेएलबी का चार्ट बनवा दूंगा अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? वेडनेसडे, कितने बजे? 9:30, ठीक है जी, AM। थैंक यू जी वेरी मच। तब तक के लिए एक बाय डिफॉल्ट होमवर्क है, बाय डिफॉल्ट होमवर्क है, आज तक आपने जितना पढ़ा है सारा बैठ के रिवाइज कर लो तरीके से। और एक और बात है, अगली क्लास में एक चैप्टर शुरू करूंगा जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। लगभग आप मान के चलो, मैं आज की क्लास में एजेंडा बता रहा हूँ, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 7 मार्क्स के आसपास, 7 से 6 से 8 मार्क्स आप कह लो, 6 से 8 नंबर का टॉपिक है हमारा, अगली क्लास में शुरू होगा, उससे अगली क्लास में फ्राइडे को लगभग ब्रेक तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का टॉपिक है, 6-7 नंबर का, ठीक है जी, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक सेकेंड, कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे कि पार्टनरशिप के डाउट्स आप कैसे लोगे, सुन लो हम क्या करेंगे, आप घर पे पार्टनरशिप आराम से रिवाइज कर लो, दो तरह के डाउट हो सकते हैं, आप घर पे पार्टनरशिप आराम से रिवाइज कर लो, दो तरह के डाउट हो सकते हैं। एक, पहला, सर एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरा आप करा दो, पूरा आराम से लेजर बना बना के करा दो, और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ आपको एक ही चीज पूछनी है, तो ये तो आप ब्रेक में भी पूछ सकते हो सेकंड वाली चीज, या आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो मुझे पूरा कराना है, तो मैं एक काम करूंगा, अपनी रूटीन क्लास को जो हमारी MWF में चल रही है 9:30 बजे ऑनवर्ड्स, इस क्लास को मैं एक काम करूंगा, दो तीन क्लास के बाद जैसे जब ये वाली फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन आपके इकट्ठे हो जाएंगे, दो क्वेश्चन, तो मैं इस वाली क्लास को 12:30 बजे जो ब्रेक देता हूं, उसके बाद मैं अगले 1-1.5 घंटे में पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। बात समझ नहीं? तो दोनों तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, आप अभी फ्राइडे तक ये चीज छांट लो आराम से, पार्टनरशिप रिवाइज कर लो, उसके बाद 2 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, कैटेगरी 2 आपको समझ में आ गई, कैटेगरी 1 जो पूरा पूरा कराना होगा मंडे को, या अगले वेडनेसडे को, या मंडे को, या इसी फ्राइडे को, जब भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हो जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हो। बात समझ में? और एक बात और अच्छी हो जाएगी अगर आप कर सकते हो पॉसिबल, जैसे मान लो किसी बच्चे को 37 कराना है, 38 कराना है, तो जैसे मान लो मंडे कराना है आपको, ठीक है, तो ये चीज आप फ्राइडे बता दो। उसका कारण पता क्या है, फ्राइडे को अगर ये बात सबको पता लग गई, तो जो जिन बच्चों को नहीं पता कि मंडे को ही होगा, वो एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे, तो फिर सबका दिमाग लगेगा मंडे को उन्हीं क्वेश्चंस में ब्रेक के बाद। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जिस बच्चे को जो भी क्वेश्चन कराना है, वो क्लास में हम पहले ही अनाउंस कर देंगे कि मंडे को पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, समझ में आया? तो वो सब लोग पढ़ के आएंगे ना, तो उससे मजा आता है, वरना जो बच्चा पढ़ के नहीं आया उसको ऐसा लगता है यार पता नहीं क्यों करा रहे, होता है या नहीं होता?
तो इंटरेस्ट आई मीन टू से कि इंटरेस्ट जो है वो सबका डेवलप हो, ऐसा ना हो कि जिस बच्चे का डाउट है खाली वो पढ़ रहा है बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू जी वेरी मच, मिलते हैं आपसे वेडनेसडे को। ठीक है, ओके जी।